किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ। आम के अचार के बनाने के लिए कच्चा आम मैंने 1 किलो लिया, सबको अच्छी तरह से धो के पोंछ के अब मैं सबका डंठल काट रही हूँ। अब मैं साइड से इसका गूदा वाला पार्ट काट कर अचार बना रही हूँ। धीरे धीरे हम सावधानी से गूदा वाला पार्ट को काट के पहले निकाल लिया। इसको बीच से भी काट के बनाया जाता है, लेकिन मैं छुरी से इसको किनारे से गूदा वाला पार्ट काट के छोटा छोटा टुकड़ों में इसको मैं बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सब कट के तैयार हो गया। मैं एक बाउल में पानी के साथ इसको 1 घंटा के लिए छोड़ूंगी। अब इसको निकाल के कॉटन कपड़ा से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी ताकि इसका पानी का सब भाग ख़त्म हो जाए। अब मैं धूप में एक कपड़ा पे इसको सुखा रही हूँ। सभी टुकड़े को मैं किचन टावल पर धूप में सुखा रही हूँ ताकि इसका सभी पानी का नमी सूख जाए। अब सब पानी सूख गया। अब मैं एक बाउल में इसमें हल्दी पाउडर, नमक मात्रा अनुसार स्वादानुसार सब कुछ इसमें डालिए। ये सरसों का तेल है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं 4 दिन तक धूप में सुखाऊंगी। अगर आपके पास धूप नहीं है फिर भी ये पक जाता है। ये खट्टा है इसलिए इसमें नमक हल्दी डालने से ये पकता है, बहुत अच्छी तरह से ये पक जाता है। अब इसको हम 4 दिन के लिए धूप में ढक ढक के सुखा लूँगी। ये सभी मसाले हैं, जैसे कि खड़ा मसाला में सौंफ, अजवाइन, मंगरेला और लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये हींग पका हुआ तेल है, लाल मिर्च पाउडर है रोस्टेड, ये जीरा पाउडर है रोस्टेड जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सौंठ पाउडर, ये पीला सरसों पाउडर, ये सौंफ पाउडर, ये अजवाइन पाउडर और ये मेथी पाउडर। ये सभी मसाले को मैं अब इस अचार में मिक्स करूँगी। एक बाउल में मैं ये 4 दिन से जो मैं पका के आम रखी है ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें मैं सारे मसाले को डाल के मिक्स कर लूँगी। ये पहले मैं खड़ा मसाला डाल रही हूँ, ये आधा आधा चम्मच है। ये नमक है, अभी मैं मसाला डाल रही हूँ इसलिए थोड़ा नमक हल्दी सब और ऊपर से लगेगा। ये कश्मीरी मिर्च है, हल्दी पाउडर, ये सौंफ पाउडर है 1.5 चम्मच, ये लाल मिर्च पाउडर इसको मैं 2 चम्मच डाली, ये मेथी पाउडर है 1 चम्मच, ये अजवाइन पाउडर है 1 चम्मच, सब रोस्टेड मसाले हैं, ये जीरा पाउडर है, ये पीला सरसों पाउडर है, ये सौंठ पाउडर है, हींग पका के ठंडा करके मैं तेल रखी थी उसको भी मैं डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद बढ़ता है, कभी अचार खराब नहीं होता है। इसको आप 1-2 साल खा सकते हैं। इस अचार में हम लकड़ी का चम्मच यूज करती हूँ जिससे कि अचार कभी ख़राब नहीं होता है। चलिए सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको मैं 1-2 दिन थोड़ा देर धूप में रखूँगी। चल देखिए मेरा कितना अच्छा अचार पक गया है।
आप इसे एक शीशा के बर्तन में रख के सालों साल खाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।